हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक फॉर यू। और आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ गर्मा गर्म क्रिस्पी आलू की पकौड़ियाँ, क्योंकि सीज़न जो है बारिश का चल रहा है तो मन करा पकौड़ियाँ खाने का। तो चलिए आलू की पकौड़ी बनाते हैं और इसकी रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ मैंने 4 से 5 कच्ची आलू को छील लिया है और इसको हम इस तरह से स्लाइस में कट करेंगे और 1 से 2 बार धो करके इसको हम छान लेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने 2 कप बेसन लिया, उसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और हाथों से क्रश करके अजवाइन डाल करके हल्का सा मिक्स किया और इसमें थोड़ा सा पानी धीरे धीरे डालते हुए थोड़ा सा एक गाढ़ा स्लरी बना लिया। इस तरह से हमने इसकी स्लरी बनाई। अब इसमें आलू के स्लाइसेस को डाल दिया और इस तरह से लपेटते हुए गर्मा गर्म तेल में हमने इसको डीप फ्राई किया जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। झटपट बनने वाली आलू की पकौड़ी बनकर के बिल्कुल रेडी है। आप इसको सॉस से खाएं, चटनी से खाएं या चाय से, बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों की तो फेवरेट है। तो बारिश के मौसम में इसे बनाइए और खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।